टॉपिक इज बेसिकली रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स रिवीजन। ठीक है, तो हम अगर बात करें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की, तो हम देखेंगे सबसे पहले प्लेन मिरर को। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में देख लेते हैं कुछ बातें। प्लेन मिरर के बारे में जैसे कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लॉ वगैरह तो सब पता रहते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही रहेगा। ठीक है, आपको डेविएशन निकालना है तो बेसिकली वो 2 अल्फा के बराबर आता है। ये दो चार पॉइंट है वो छोटे छोटे जो आपको हमेशा काम आएंगे। ठीक है, अगर ये एंगल अल्फा है, कौन सा एंगल? मिरर के साथ इंसिडेंट रे का। देखो, ये तो होता है इंसिडेंट एंगल और ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, एंड दिस एंगल इज एंगल विद द मिरर, इंसिडेंट रे का मिरर के साथ और ये रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ। ओके, तो दीज एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। फिर उसके बाद मैं आपको साइन कन्वेंशन के लिए कुछ बता देता हूँ। बेसिकली साइन कन्वेंशन जो है उसमें क्या फंडा है कि जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लो ये सॉरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा है आपका, 1 मिनट प्लीज। जैसे हमारा है बेसिकली, सपोज ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो अगर ये हमारा प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर में एक साइड पर आपकी क्या है, पॉलिश है, और एक साइड पे आपका मिरर है, तो जिधर पॉलिश होती है उधर आपके प्लस साइन आपको लेने हैं और जिधर भी आपका मिरर है उधर माइनस साइन, यानी कि पी फॉर प्लस, एम फॉर माइनस। तो ये छोटी सी ट्रिक है याद रखने की। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के छोटे से मेथड को याद रखें। मान लो स्फेरिकल मिरर होता, तो स्फेरिकल मिरर होता तो उस केस में सपोज ऐसा कॉनकेव मिरर है, तो इधर पॉलिश है तो इधर पॉजिटिव, इधर मिरर है तो इधर नेगेटिव। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसके बाद उन क्वेश्चंस को हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई मतलब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डेविएशन के ऊपर। तो डेविएशन के ऊपर चीजें कुछ बताना आपको जरूरी है प्लेन मिरर के अंदर। तो जैसे मान लो ये रे आई और ये ऐसे डेविएट हो गई, अगर ये एंगल हमारा, ध्यान रखना ये थीटा है, तो ये भी आपका थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब मान लो ये रे ऐसे निकल गई, तो अब यहाँ पर जो डेविएशन होता है वो कितना होता है? डेविएशन का मतलब क्या है? रे को आपको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन वो चली ऐसे गई, तो ये जो एंगल है ये बेसिकली डेविएशन का एंगल है। मतलब रे यहाँ से इतनी डेविएट हो गई, तो अब ये जो डेविएशन का, जो डेविएशन होता है वो कितना होता है? बेसिकली जो डेविएशन होता है, या तो 180 माइनस 2 थीटा आप कह सकते हो क्योंकि ये पूरा 180 का है, इसमें से 2 थीटा गए, या फिर आप कह सकते हो आपका 2 अल्फा। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा, तो इस तरीके से 2 अल्फा। तो डेविएशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 2 अल्फा, तो ध्यान रखना आपका ये वाला जो मैंने बताया था यहाँ पर 2 अल्फा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद डेविएशन भाई प्लेन मिरर में आपको कुछ चीजें, एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे फॉर्मूला है हमारा, बेसिकली डेविएशन जो होता है वो होता है एक 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये आपको तभी लगाना है, बेसिकली ये आपको तभी लगाना है जब मिरर आपके साइक्लिक ऑर्डर में हो, मतलब एक के साथ एक रखा हुआ हो। जैसे आपका ये मिरर है, यहाँ से डेविएशन हुआ फिर वो यहाँ पर गई, ऐसे निकल गई रे। ठीक है, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका प्लेन मिरर में, हम देखेंगे जब दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी। जैसे मान लो ये दो प्लेन मिरर हैं और कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहां पर रखा हुआ है, इस वाले मिरर से वो ए दूरी पर है, इस वाले से वो बी दूरी पर है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनाने का जो तरीका होता है, M1 और M2 आप लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीका डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको तरीका ये यूज करना है कि अगर ये ए दूरी पर रखा हुआ है और ये बी पर है, तो आपको इसमें जो इनका पूरा सेपरेशन है उसको ऐड करते जाना है। ठीक है, अब जो नई इमेज बनेगी वो ए प्लस डी पर बनेगी, अब इधर जो नई इमेज बनेगी वो बी प्लस डी पर बनेगी, फिर इधर जो नई इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी, बी प्लस डी में डी जोड़ो तो कितनी पे बनेगी, बी प्लस टू डी पर, और इसमें जोड़ोगे तो ए प्लस टू डी पर। ठीक है, इस तरीके से जो भी नंबर ऑफ इमेज आपको पूछी जाए जिस भी मिरर से, आप इजिली फाइंड कर सकते हो। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। ये तो था जब आपके सिंपल मिरर इस तरीके से रखे हुए थे। मान लो अगर मिरर किसी एंगल पे रखे हुए हैं तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालोगे? तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का जो सिंपल सा तरीका है वो ये है कि मान लो ऑब्जेक्ट आपका इधर कहीं रखा हुआ है, ठीक है, और ये एंगल सपोज अल्फा है, दूसरा वाला एंगल सपोज बीटा है, तो आपको अगर नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है, ये मिरर M1 है सपोज, ये मिरर M2 है, तो अगर नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड अगर आपको करनी है, तो मिरर M1 से जो ऑब्जेक्ट है सपोज अल्फा पे रखा हुआ है, मिरर M2 से वो बीटा पे रखा हुआ है, तो अब जो इन दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो अगर थीटा है, तो जो नई इमेज बनेगी वो अल्फा प्लस थीटा पर बनेगी, जबकि इधर जो नई इमेज बनेगी वो बीटा प्लस थीटा पर बनेगी। ठीक है, ध्यान रखें, इधर जो बनेगी वो बीटा प्लस 2 थीटा पर बनेगी और जबकि इधर जो बनेगी वो अल्फा प्लस 2 थीटा पर बनेगी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखें, मैं आपको सीधे क्वेश्चन कराता हूं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अगले अगले सीट पर हम अगर एक क्वेश्चन की बात करें,
तो क्वेश्चन ये है बेसिकली, मान लो हमारा जो अल्फा है वो 25 डिग्री है, ठीक है, और जो बीटा है वो 25 डिग्री ही है, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी मिरर M1 और M2 पर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। तो ध्यान रखें, अगर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, अगर ये एंगल 25 है, ये भी 25 है, ठीक है, और जो हमारा दोनों मिरर के बीच का एंगल है वो 50 है, तो ये 75 हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो ये भी 75, इसमें फिर से 50 ऐड करोगे तो 125, इसमें भी 125, ठीक है, 50 ऐड करते जा रहे हैं हम, ओके। अब अगेन यू हैव टू ऐड द 50, दिस इज 175 एंड दिस वुड बी 175, ओके। नाउ यू आर सेइंग दैट इधर भी 175 है एंड उधर भी 175 है, ठीक है। अब इससे ऊपर अगर आप जाओगे, ओके, इससे ऊपर अगर आप जाओगे तो क्या होगा, अगर आप इसमें 50 ऐड करोगे तो 180 से ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर आप देखोगे अगर तो आपको ये यहां पर दिखेगा कि यहां पर जो ये मिरर है, अगर आप आपकी इमेज अगर इधर कहीं बन गई, ठीक है, 180 डिग्री पर बन गई, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये इमेज जो है वो ओवरलैप कर जाएगी, मतलब बेसिकली जो इसके बाद की इमेजेस होंगी, जैसे मान लो आपकी जो नई इमेज है वो यहां कहीं बनी, ठीक है, अब ऐसे ही करके हमारी 8 इमेज बन गई। अब जो 9वें नंबर की इमेज होगी ना, बेसिकली वो इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, तो जो टोटल इमेजेस होंगी वो उतनी ही रहेंगी इस केस में, लेकिन इस वाले केस में कितनी रहती है, इनफाइनाइट। अगर मैं बात करूं इस वाले केस में कितनी इमेजेस रहती है, तो इनफाइनाइट इमेज बन सकती है, कितनी भी बढ़ाते जाओ, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जब आप किसी नाई की दुकान में जाते हो, बार्बर की दुकान पे जाते हो, तो बेसिकली वहां पे जब जाओगे तो आपको दिखता है कि भाई हम अगर वहां पे बहुत सारे मिरर लगे होते हैं, मिरर सिस्टम होता है, तो आपको अनलिमिटेड इमेजेस दिखती है, उनकी कोई लिमिट ही नहीं होती है, लेकिन यहां पर लिमिट होती है, यहां पर ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है, उसी के ऊपर दूसरी इमेज आने लग जाती है, और जो एक इमेज होती है अगर मान लो वो 180 डिग्री पर बनी है तो वो दिखती नहीं है, बिल्कुल इसी एंड पर आ जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यही बताना यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पर कितनी इमेजेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस वाले केस में नंबर ऑफ इमेजेस 8 है, बट लेकिन अगर मैंने कहा कि अल्फा हमारा 20 है और बीटा हमारा 30 है, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, देखो इधर 20 लोगे मिरर M1 से, और मिरर M2 से आपका कितना है, 30 डिग्री पर है, थीटा हमारा फिर से 50 ही है, तो कितनी होगी, 70, 80, फिर से 50 ऐड करो, इधर 130, इधर 120, फिर से 50 ऐड करोगे, 170, जबकि ये 180, अगर आपकी जो इमेज है वो 180 पर आ गई, तो इसका मतलब क्या है, वो इमेज हमें नहीं दिखेगी, तो इसको आप हटा दो, ठीक है, तो क्योंकि 180 पर आने का मतलब है ये वाला सीन, ओके, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस केवल 7 होंगे, ठीक है, इन चीज को ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, किताबों में आपको मिलेगा ये, हालांकि ये तरीका किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला मिलेगा, तो फॉर्मूला भी आप कंफ्यूज ना हो, ये है, इसकी शर्तें हैं, अगर आपका एसिमेट्रिकल केस है, मतलब आपकी जो ये जो मिरर था हमारे दोनों, ठीक है, ये इनके बीच में कुछ एंगल है, फॉर एग्जाम्पल थीटा है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट सपोज रखा हुआ है, और अगर आप कहें तो जैसे यहां से एंगल अल्फा है और उधर से एंगल बीटा है, ठीक है, मतलब एसिमेट्रिकल है, अल्फा और बीटा बराबर नहीं है मान लो, तो उस केस में ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, उस केस में आपका जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो आपकी केवल कितनी रहेंगी, 360 अपॉन थीटा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अब अगर एसिमेट्रिकल ये है तो ओवरलैप नहीं करेगी, मतलब बेसिकली ये वाला केस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिकल है अल्फा बीटा, देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा आपके बराबर थे तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस 8 थी, ठीक है, जबकि अल्फा और बीटा इधर अलग अलग थे तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस 7 थी, यानी कि अगर आप देखो यहाँ पर, तो अगर अल्फा बीटा बराबर नहीं है तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस पूरी रहती है, 1 माइनस करने की जरूरत नहीं होती है। 1 माइनस कब करना होता है, हमें 1 माइनस तभी करना होता है जब आपकी ये सिमेट्रिकल हो और एक जो 8वें नंबर की इमेज है वो ओवरलैप कर जाए, या फिर वो कुछ ऐसे एंड पे आ जाए जहां पे वो ना दिखे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद कुछ और चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, कुछ एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूं बेसिकली ध्यान रखने के लिए, कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको यहां पर इस तरीके का सेट दिया गया है, जगदीप मे बी कि आपको ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, बट लेकिन ये बहुत जरूरी चीजें होती है, क्वेश्चन हम कह नहीं सकते कि प्लेन मिरर से, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट काम आ जाए आपके, आ भी जाता है कई बार, इसलिए मैंने प्लेन मिरर को पहले 10 मिनट में कोशिश करी है पढ़ाने की, ठीक है। यहां पर एक और चीज मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
मान लो आपको इस तरीके से नंबर ऑफ सेट्स मिल जाए, ठीक है, मान लो आपको मतलब क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आ जाए फॉर एग्जांपल, या एम्स वगैरह में आ जाए, किसी ऐसे एग्जाम में आ जाए, मान लो 3 मिरर का सेट है या 4 मिरर का सेट है और आपने प्लेन मिरर इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है, थीके? आपको यहाँ पे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टोटल इमेजेस कितनी बनेगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का सीधा जो बढ़िया तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेट्स ऑफ मिरर कितने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सेट ऑफ मिरर कितने हैं, एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, तीसरा सेट ये है, तो देयर आर 3 सेट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेट दो दो मिरर के 3 है, ठीक है। और ये दो दो मिरर के जो सेट है वो कितनी इमेजेस बनाएंगे वो कैसे पता लगाएंगे, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री का आपका एंगल बनेगा, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा 360/60-1, यानी कि 5 इमेजेस बनेंगी। तो आपका जो टोटल इमेजेस बनेंगी सारे साइड से मिलाकर वो 15 होंगी, लेकिन आपको माइनस कर देना है जितनी नंबर ऑफ साइड है, क्यों, क्योंकि उतनी ही इमेज ओवरलैप कर जाएंगी, उतनी ही इमेज हमें नहीं दिखेंगी, तो आपको माइनस कर देना है, तो आंसर आएगा हमारा 12, ठीक है। तो आई होप आप इस तरीके को समझ पाए होंगे। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, दिस इज 3, व्हाट इज द 3, 3 इज द बेसिकली नंबर ऑफ मिरर्स, एंड व्हाट इज द 5, 5 इज द बेसिकली दो मिरर जो है एक सेट उनका कितनी इमेजेस बना रहा है, माइनस आपने क्या कर दिया नंबर ऑफ मिरर कर दिए, ठीक है। चलो उसके बाद आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको ये समझ में आएंगी सब चीजें। अब मान लो यहाँ तक तो ठीक था, हमारा जो ये वाला कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली प्लेन मिरर में जो आपको कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मान लो आईटी एडवांस में पूछ लिया, मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो कभी काम आ जाए, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और चीजें बता देता हूँ जल्दी से, आपको वेलोसिटी वगैरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मान लो ये हमारा मिरर है और यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड v है तो इस केस में जो इमेज की स्पीड होती है वो बिल्कुल अपोजिट की तरफ होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो वी आई होती है वो माइनस ऑफ वी ओ होती है, ठीक है। अगर इस तरीके का सिस्टम है तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो आपकी इमेज कैसे जाएगी, ऐसे ही जाती है, यानी कि यहाँ पर आपकी जो वी आई है वो वी ओ होती है, पैरेलल केस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। दूसरा सिनेरियो में बता देता हूँ, अगर मान लो ऐसा केस है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सीधी सी बात ये है, आपका ये इस तरीके से पूरा है, मतलब ये हमारी एक्सेस है। अब मान लो ऑब्जेक्ट जो आपका है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और आपकी जो बेसिकली ये मान लो वीएम से आपका मिरर जा रहा है, तो आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपकी जो मिरर अगर वीएम से जा रहा है तो आपकी जो इमेज है वो कितने से जाएगी, 2 वीएम से जाएगी। अब ये सब रिलेटिव के क्वेश्चन है, रिलेटिव मोशन के हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इमेज हमारी वो 2 वीएम से जाएगी, तो वी आई कितनी हो जाएगी, 2x of vm। तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले, स्फेरिकल मिरर में घुसने से पहले आपको ऐसा ही क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी और अच्छे तरीके से। तो आगे बढ़ने से पहले एक जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ये हमने क्या लिया, एक प्लेन मिरर हमने ले लिया, ठीक है, और हमने क्या किया कि ये जो आपका मिरर है वो 2 से आगे जा रहा है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो 3 cm/s से आगे जा रहा है, और ये भी 2 cm/s है, तो आपको इमेज की स्पीड वगैरह बतानी है जल्दी से। तो कैलकुलेट करो जल्दी से कितनी आ सकती है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, हमें वी ओ कितनी दी है, 3, वी एम कितनी दी है, 2। वी नो दैट जो इमेज की स्पीड होती है वो बेसिकली ये जो VO है इसकी वजह से अपोजिट हो जाती है, यानी कि 3 हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से वो आगे हो जाएगी, कितनी हो जाती है, 2x हो जाती है। तो इसका मतलब नेट आंसर कितना आएगा, 1, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और किधर की तरफ आएगा, बिल्कुल आपका राइट डायरेक्शन में आएगा, प्लस एक्सेस की तरफ आएगा, ठीक है, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज जा रही होगी, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब देखो मैं आपको स्फेरिकल मिरर में घुसने से पहले एक और चीज बता देता हूँ। बेसिकली आपको क्वेश्चन मिलते हैं जैसे वॉल के, वॉल मतलब जैसे आपका एक रूम है और रूम में आपका एक मिरर हमने लगाया, तो आपकी जो आप अगर बीच में खड़े हो तो आपसे पीछे की जो वॉल है उसको देखने के लिए कितने मिरर की हाइट वगैरह होनी चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मान लो ये मैं जो ब्लैक पेन लेते हैं, तो यहाँ पर मान लो बेसिकली ये इस तरीके से है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी मान लो हाइट है, हम खड़े हैं, मान लो पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ अपनी हाइट देखने के लिए। तो यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर आपका मिरर है, ठीक है, इस तरीके से, और ये आपका मिरर हो गया, ठीक है,
नाउ अब आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो पूछा जा सकता है लेंथ ऑफ मिरर और एक पूछा जा सकता है हाइट ऑफ मिरर। ठीक है, हाइट ऑफ मिरर का मतलब क्या है, ग्राउंड से मिरर कितनी ऊपर रखा हुआ है, और लेंथ ऑफ मिरर का मतलब क्या है कि लेंथ जो मिरर है उसकी लंबाई कितनी है। तो अगर आप बात करो तो जो लेंथ ऑफ मिरर होनी चाहिए वो हाइट का ट्वाइस अपॉन टू होती है, ठीक है, हाफ ऑफ दी हाइट होती है, जो आदमी की हाइट है ना उसका आधा होती है। ध्यान रखना ये अब बेसिकली आया कहाँ से, ये जो है ट्राइंगल की जब आप कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल्स होते हैं उनसे आता है बेसिकली, सिमिलर ट्राइंगल वगैरह से, बट लेकिन हमें यहाँ पर उतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ याद रखना है कि जो एल एम है वो एच अपॉन टू होती है और जो हाइट ऑफ मिरर है वो कितनी होगी, वो आपकी एच ई अपॉन टू होती है, यानी कि जो इस इंसान की आईज होंगी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आईज से ही सारा खेल है, तो आपकी एच ई अपॉन टू होगी, ध्यान रखें। ठीक है, अब अगला जो आपको पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ये तो हमने कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है रूम वगैरह का, मतलब जैसे ये आपकी एक वॉल है रूम की, ठीक है, और आपका यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, ये आपकी हाइट है और ये आईज है। तो अब यहाँ पर आपको इस आपके जो पीछे वॉल है इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं, कई बार क्वेश्चन अगर आ जाए तो मतलब सही ही हो जाता है, फिर काफी बढ़िया रहता है। ये लेंथ ऑफ मिरर है, ठीक है, ये हाइट ऑफ मिरर है जो कहाँ से है, बेसिकली ये आपकी ग्राउंड से है, ओके। तो आपको अगर ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कभी मिल जाए देखने को तो इसको सीधे हैंडल करें। ये आपका डी है, ये क्या है, ये आपका डी बेसिकली जो दीवार है, जो वॉल है और जो मिरर है उसके बीच का सेपरेशन है, और ये जो इंसान है और जो मिरर है इसके बीच का जो सेपरेशन है वो डी एम हमने ले लिया। तो यहां पर ध्यान रखना है जो लेंथ ऑफ मिरर आपको रिक्वायर्ड होती है वो रिक्वायर्ड होती है डी एम अपॉन डी एम प्लस डी इंटू एच डब्ल्यू, ठीक है, आप इसमें ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ओके। अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ मिरर और हाइट ऑफ मिरर कितनी चाहिए, हाइट ऑफ मिरर में बस ऊपर डी आ जाएगा, बाकी नीचे सेम रहेगा, ठीक है, हाइट ऑफ लेंथ, हाइट और लेंथ में फर्क क्या है, हाइट आपकी ग्राउंड से कितनी ऊंचे रखा हुआ है मिरर, और लेंथ मतलब उसकी आपने कितनी लंबाई ली है, 1 मीटर 2 मीटर या सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक है। चलो बेसिकली कई बार क्या होता है, अगर ये पर्सन राइट में सेंटर में खड़ा हो तो हमारा जो आपको किताबों में कई बार देख सकता है, अगर ये पर्सन सेंटर पे खड़ा रहता है तो जो लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड होती है वो एच डब्ल्यू अपॉन थ्री होती है, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा ये क्या था डीएम जो था इसको बेसिकली फिर कितना कर देंगे, इसको डी अपॉन टू कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारी एच एम है वो कितनी आ जाएगी, 2h/3, ओके। चलो तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप जो है इनको आप इजिली इनके क्वेश्चन अगर आ गए तो आप डायरेक्ट कर पाओगे, ठीक है। चलो अब उसके बाद में स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर वगैरह, ठीक है, स्फेरिकल मिरर को देख लेते हैं, उसके सारे फॉर्मुलों को एक जगह लिखकर देख लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं रिफ्लेक्शन वगैरह, रिफ्लेक्शन वगैरह की, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहला आपको याद रखना है मिरर फॉर्मूला, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 1/v 1/u = 1/f, या फिर इसका दूसरा फॉर्मेट क्या होता है जो आपको सब इससे भी ज्यादा काम आएगा, v = uf/u - f, ठीक है, ये ज्यादा आपको काम आएगा। v क्या है, v आपकी मिरर से ऑब्जेक्ट की सॉरी इमेज की दूरी है, u आपकी ऑब्जेक्ट की दूरी है, f इज दी फोकल लेंथ, ठीक है। आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखनी है, व्हाट इज दी साइन कन्वेंशन, अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो जैसे ये हमारा मिरर है, ठीक है, और इधर हमारे पॉजिटिव है और इधर हमारा नेगेटिव है, ठीक है, मतलब ये प्लस वाली साइड है और ये माइनस वाली साइड है। तो अगर आप बात करो यहां पर देखोगे तो देखो जो फोकल लेंथ होती है, आपको मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, जो बेसिकली फोकल लेंथ होती है, देखो क्योंकि फोकल लेंथ बेसिकली है क्या, अगर रेडियस, अगर आप रेडियस की बात करें तो ये जो अगर जिस सर्कल का ये हिस्सा होगा उसकी रेडियस है, तो रेडियस की डायरेक्शन कुछ नेगेटिव साइड में रही होगी, तो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं, हालांकि हमें जरूरत नहीं है। फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो किस केस में होगी, इस वाले केस में, और ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, पॉजिटिव होगी तो कॉनवेक्स, ठीक है। अगर वो यू नेगेटिव है, अगर यू नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट रियल होगा, और अगर यू पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन हैं यू और वी के। तो v आपकी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव है तो फिर से वही चीज रियल, और पॉजिटिव है तो वर्चुअल, ठीक है। देखो आपकी लेंस में ये बदल जाते हैं, उससे पहले सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आई तो इसका मतलब है जो इमेज बनी है वो उल्टी बनी है,
इन्वर्टेड बनी है, और अगर पॉजिटिव आता है तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनी है, मतलब उसी डायरेक्शन में। आपको एक और स्पेशल चीज ध्यान रखनी है कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज भी अगर रियल बनी है तो इसका मतलब ये जो बनी होगी वो इन्वर्टेड बनी होगी, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट कभी पता लगाना है तो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इमेज भी वर्चुअल बनी है तो भी इन्वर्टेड बनी होगी, ठीक है। दूसरा केस है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज रियल बनी है, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी रियल ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज वर्चुअल बनी है, ठीक है, मतलब एक वी है एक आर है, तो इन दोनों केसेस में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट ही बनती है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर इस चीज को, ये आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों ही एक जैसे हैं आर आर वी वी तो आपकी इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड, और अगर एक वी है एक आर है तो इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं तो आपको ध्यान रखनी है। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले ध्यान रखें, मैग्निफिकेशन जो होता है वो वैसे तो सबको याद होगा माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है एक और फॉर्मूला जो है आपका एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये कहाँ से आया, v का फॉर्मूला आपने रख दिया यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, और आपका यहाँ पे माइनस था तो हमने f माइनस यू कर दिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आप इसको ध्यान रखोगे। चलो अब उसके बाद हम जो है इसके आगे बढ़ते हैं, और ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था। यहाँ पर आपको सारे नोटेशंस क्लियर होंगे, v और u क्या है, v आपका इमेज की डिस्टेंस, u आपके ऑब्जेक्ट की, h i हाइट ऑफ इमेज, h o हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, f इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, u इज द डिस्टेंस ऑफ बेसिकली ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, ये तो था आपका ट्रांसवर्स मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक और तरीके का यहाँ पर मैग्निफिकेशन हो सकता है जो आपका है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो बेसिकली क्या है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है ये कि ऑब्जेक्ट अगर लेंथ के अक्रॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपका ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इसकी इमेज यहाँ पर सपोज ऐसे बनी तो यहाँ पर हमारी जो मैग्निफिकेशन होती है लॉन्गिट्यूडनल वो हो जाएगी एल आई अपॉन एल ओ, ठीक है, और जो किसके बराबर हो जाएगी, जो हो जाएगी माइनस ऑफ एम स्क्वायर के बराबर, ठीक है, आपको ये समझना होगा। और अगर मैं बात करूँ एरियल मैग्निफिकेशन की, तो एरियल मैग्निफिकेशन जो होता है वो आपका जो एम एरियल होता है वो होता है आपका माइनस ऑफ जो प्लस ऑफ एम स्क्वायर, पिछला वाला माइनस ऑफ एम स्क्वायर था, ये प्लस ऑफ एम स्क्वायर हो जाएगा और ये ए आई अपॉन ए हो जाएगा। मतलब जैसे हम सबसे पहले वाले में हाइट को देख रहे थे ट्रांसवर्स में, और हमने लॉन्गिट्यूडनल में लेंथ को लिया, और यहाँ पर एरिया है तो एरिया को ले लेंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मले आपको लिख लेने हैं, अच्छे से इनको लिख लो, और जो है यही आपके जो है जरूरी है, इससे अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलते। एक और तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो वेलोसिटीज के मिलते हैं, तो उसका फॉर्मूला एक बार जल्दी से लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ये सपोज मिरर है और ऑब्जेक्ट हमारा सपोज ऐसे जा रहा है जिसकी स्पीड वीओ ऐसे है, ठीक है, और मिरर की सपोज ऐसे है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो इमेज की स्पीड आती है वो कितनी आती है, वो आएगी माइनस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी ओ एम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इमेज की मिरर के रेस्पेक्ट में, यानी कि वी आई माइनस वी एम, ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की मिरर के रेस्पेक्ट में। अगर मिरर रेस्ट पर होगा तो ये जीरो जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो ऐसे ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्या होगा, तो आपका जो वी आई होगी वो कितनी होगी, वो होगी मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट की स्पीड, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको एक और यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकते हैं वो न्यूटन फॉर्मूला की मिलते हैं। न्यूटन ऐसा साइंटिस्ट था जो एक जगह अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसने हर जगह ही अपनी टांग अड़ा दी, तो न्यूटन फॉर्मूला भी इन्होंने दे दिया। क्या था यहाँ पर, ये ऐसा था, इन्होंने क्या किया, जो फोकस होती है वहीं से आपकी जो डिस्टेंस है वो ले ली, ठीक है, मतलब जैसे U और V जो है वो फोकस से ली इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जैसे ये आपका फॉर एग्जाम्पल फोकस अगर यहाँ पर है तो हमारी जो U होगी वो ये ली थी, और जो हमारी V होगी सपोज इमेज यहाँ पर बनी है तो ये हमारी V हो गई, मतलब इन्होंने इसको X1 और इसको X2 ले लिया। अगर मैं X1 X2 लूं तो हमारी जो फोकस होती है वो अंडर रूट टाइम्स ऑफ X1 इनटू X2 होती है, ठीक है, और X1 ये है U और ये आपका X2 है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं मैग्निफिकेशन की, अगर मैं बात करूं तो एच आई अपॉन एच ओ आपको ध्यान रखना है माइनस एफ अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू अपॉन एफ, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा। आई होप आप इसको ध्यान रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन है आपका एक सिंपल सा कि भाई अगर आपका ये इस तरीके से एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स का कर रहे हैं क्योंकि कॉनकेव के क्वेश्चन हम कर लेते हैं जनरली, कॉन्वेक्स में हमें दिक्कत आ जाती है कई कई बार। ये हमारा पोल है, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई,
यहां पर इस तरीके से रेज आई, ओके, और इसकी जो फोकल लेंथ है ना वो 20 सेंटीमीटर है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया कि अगर जो पीओ है, यानी कि बेसिकली अगर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका 10 सेंटीमीटर पे है, तो आपको कैलकुलेट करना है इमेज की सारी चीजें, मतलब आपको मैग्निफिकेशन वगैरह कैलकुलेट करना है और वी कैलकुलेट करना है, ठीक है। वी मतलब इमेज पोल से कहाँ रखी होगी, किधर होगी, और वर्चुअल होगी, रियल होगी, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, डिमिनिज्ड होगी, इनलार्ज्ड होगी, या सेम साइज की होगी, इस तरीके की सारी कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं देखूँ तो ये बहुत आसान है करना, ठीक है, क्योंकि मुझे यू पता है और मुझे एक चीज पता है कि जिधर पॉलिश होती है उधर के साइन पॉजिटिव होते हैं और जिधर मिरर होता है उधर के साइन नेगेटिव होते हैं। अगर ऐसे नहीं सीखना चाहते तो ये देखो, जिधर इंसिडेंट रे होती है उधर के सारे साइन नेगेटिव होते हैं और जिधर वो जाती है उधर के सारे साइन पॉजिटिव होते हैं। बस आपको तो एक साइड के साइन देखने हैं, दूसरे के हमेशा अपोजिट होंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा जो हमारा यू है वो पॉजिटिव है और वो कितना है, प्लस के 10 है। आपने देखा एफ हमारी पॉजिटिव है जो कितनी है, 20, क्योंकि आपकी एफ इधर की साइड होगी, जिधर रेडियस उधर एफ इस केस में, तो आपकी जो एफ है वो 20 सेंटीमीटर है और वो प्लस की साइड में है तो प्लस 20 हो गई। आपको वैसे भी पता है कॉन्वेक्स की प्लस होती है फोकल लेंथ, तो हमें निकालना क्या है, वी। वी का डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है, मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि आप जो है उससे करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है कई बार। सीधे वैल्यू पुट करो, यू में से एफ घटाओ तो कितना आ जाएगा, ये 200 अपॉन माइनस 10, यानी कि माइनस के 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि हमारी जो इमेज बनी वो माइनस साइड में बनी होगी, ठीक है। तो आई होप आप इसको ध्यान रख पाएंगे, यानी कि इमेज हमारी आई माइनस 20 सेंटीमीटर, और अगर इमेज हमारी ये नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव इमेज का मतलब क्या है, कैसी इमेज होगी, ये रियल इमेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया थे साइन कन्वेंशन, रियल इमेज हो जाएगी, ठीक है। अगला है मैग्निफिकेशन, अगर निकालना चाहो मैग्निफिकेशन बहुत आसान है मिरर के केस में, माइनस टाइम्स ऑफ वी अपॉन यू, ठीक है, और यू हमारा पॉजिटिव है जो 10 था, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस के 2, इसका मतलब इनलार्ज्ड बनी होगी, क्योंकि अगर एक से ज्यादा मैग्निफिकेशन है तो इनलार्ज्ड, प्लस का मतलब क्या है, इरेक्ट बनी होगी, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा, ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मान लो अगर फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की आपकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको बतानी है रियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यानी कि आपको यू कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना रियल ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर, इसका एक पर्पज है, रियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है। इफ रियल इमेज इज 3 times ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब समझ रहे हो इसका, मतलब आपको 3 times ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन है ये, ध्यान रखना आपको यहाँ पे मैग्निफिकेशन 3 times दिया गया है, यानी कि रियल इमेज आपकी रियल ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ी है, और आपको यहाँ पे फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और कौन सा मिरर है, कॉनकेव, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया। अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की तो 3 है, अगर हम यहाँ पर बात करें आपका ये रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है, तो मुझे बताओ रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है, तो मैंने आपको नोट में क्या बताया था, अगर दोनों सेम सेम होते हैं, अगर दोनों ही सेम सेम है तो जो आंसर आता है वो इन्वर्टेड आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है मैग्निफिकेशन माइनस 3 आएगा, ध्यान रखना रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट है इसीलिए, ओके। अब मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, वो होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू के बराबर। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपका माइनस 20 हो जाएगा, ये आपका माइनस 20 हो जाएगा, और जो यू है वो कितना हो जाएगा, यू मतलब ऑब्जेक्ट, जो आपको यू निकालना है बेसिकली, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फाइंड करनी है, तो आपको यू फाइंड करना है, तो आपको अगर यू फाइंड करना है तो आप यहाँ से इजिली निकाल सकते हो, यू का आंसर आना चाहिए माइनस 80 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमारा जो यू है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको इसको समझने में आसानी हो रही होगी, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। एम इज माइनस 3, हमने एक रूल पढ़ा था यहाँ पे कि भाई हमने रूल पढ़ा था ये कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज अगर होते हैं तो इमेज इन्वर्टेड बनती है, यानी कि अगर दोनों ही एक जैसे हैं, आर आर है या वी वी है, तो इमेज इन्वर्टेड ही बनती है। और हमने एक रूल पढ़ा था कि जो इन्वर्टेड इमेज होती है उनमें जो मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव होता है, और जो इरेक्ट इमेज होती है उनमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो अगर इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड सॉरी मैग्निफिकेशन एज द नेगेटिव, ओके। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले टाइप के हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज की। वेलोसिटी ऑफ इमेज के क्वेश्चन कैसे आपको पूछे जा सकते हैं, मान लो एक क्वेश्चन हमने ले लिया, ठीक है, मतलब मैं कोशिश करूंगा इसी क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जो जो मैंने सिखाए हैं। तो आपका ये ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है,
और हमारा ये जो है मतलब ये हमारा कॉनकेव है, तो मैं इसको कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन बना देता हूँ, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चन आपको ज्यादा फंसाते हैं कॉनकेव के कंपैरिजन में। कॉनकेव आसान हो जाता है आसानी से, ठीक है। हमने कॉन्वेक्स ले लिया और हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चलाया और ये हमारा जो मिरर था वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है। हमने जो फोकल लेंथ ली है वो 20 सेंटीमीटर ली है और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेसिकली वो 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको इमेज की स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो वे हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इमेज। अब कैसे करनी है ये आप थोड़ा कोशिश करिए, आई होप यू विल बी फाइंड आउट। देखो अब पहले साइन कन्वेंशन हमेशा डिसाइड करना होगा कि क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या नेगेटिव है। जिधर पॉलिश उधर पॉजिटिव, जिधर मिरर उधर माइनस, ठीक है। अब यहां पर ऑब्वियस ही बात है हमें फोकल लेंथ पता चल गई क्योंकि फोकल लेंथ इसकी इधर साइड होगी, ठीक है। तो ये हो गई प्लस के 20, हमें जो है फोकल लेंथ अगर पता चली। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा यू, यू है हमारा ये है -30। नाउ हमें जो है क्या फाइंड करना है, हमें इमेज की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। हमें यू पता है, हमें एफ पता है, तो हम जानते हैं आपका जो वी आई एम होता है वो -m² × VOM होता है, ओके। तो सबसे पहले आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा और फिर आपको VOM फाइंड, तो आपको यहां पर पहले m फाइंड करना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन। नाउ मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली f अपॉन f माइनस u। एक मिरर के लिए फोकल लेंथ इज प्लस 20, अनदर फोकल लेंथ इज प्लस 20, u कितना है -30, तो ये प्लस 30 हो जाएगा माइनस माइनस, तो आंसर आ गया 2/5। मैग्निफिकेशन इज 2/5। नाउ वी आई एम जो होता है मतलब इमेज का मिरर के रेस्पेक्ट में वो कितना होता है -m² × VOM। इसका मतलब क्या बताया था, इसका मतलब बताया था ये, और मिरर मैग्निफिकेशन कितना है 2/5 है, तो सॉरी क्रॉस क्यों लगा दिया, 2/5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा VO - VM। नाउ अब हमारी जो इमेज की स्पीड है दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट, और मिरर की हमारी 2 है, तो हमने क्या किया VI - 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -4/25। इसको सॉल्व करेंगे V ऑब्जेक्ट को, तो V ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, V ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा देखो यहां से 4 सेंटीमीटर, मिरर कितना है 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वी आई आना चाहिए। हम -4/25 × 2 कर देते हैं, ठीक है। ये कहाँ से किया, हमने बेसिकली 4/25 इसको 2 × कर दिया और इसको दूसरी साइड में ले गए तो +2 कर दिया, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, तो यहां से हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 42/25। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। VI हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, VI हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है वो ये है कि भाई हमारा जो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो हमारी इमेज भी ऐसे जा रही है। अगर ये नेगेटिव आता तो इमेज आपकी उल्टी डायरेक्शन में जाती, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि भाई इसका मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसमें मैंने बेसिकली कोशिश की है कि मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करा दूं, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है यहाँ पर कि सारे टाइप के क्वेश्चन हमारे हो जाएं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिफ्रेक्शन टू स्फेरिकल सर्फेसिस। अगर ये हमारी स्फेरिकल सर्फेस है, ये हमारी अगर ऐसे रह गई यहाँ से, ठीक है, तो कुछ ऐसी सर्फेसिस होती हैं जो इसको कन्वर्ज कर देती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो डाइवर्ज कर देती हैं, ठीक है, ओके। और ये हमने इधर N1 और इधर हमने N2 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिए, ठीक है। इसकी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर R ले ली, मतलब बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, तो इसकी रेडियस R हमने ले ली, ठीक है। ये हमारी पोल हो गई बेसिकली इस स्फेरिकल सरफेस पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पर आपको N1 क्या है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो पहले मीडियम की है या फिर जहां पर रे पहले होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि N1 sin I = N2 sin R, ओके। इसका कोई खास काम ज्यादा आपको कभी मिलेगा नहीं, मैं आपको सीधे कुछ रिलेशन बताता हूँ जो आपको ज्यादा जरूरी है। पहला रिलेशन है UBR का, N2/V - N1/U = N2 - N1/R। ध्यान रखे हैं आप इस रिलेशन को। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ये और बता देता हूँ कि ये जो चीज है वो बेसिकली पावर होती है, ठीक है। जब मैं आपको पावर पढ़ाऊंगा तो आपको शायद क्लियर हो जाएगा या फिर कुछ लोगों को क्लियर होगा ये ऑलरेडी, तो पावर होती है ये, ठीक है, प्लीज रिमेम्बर इट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन जो होता है स्पेरिकल सर्फेसिस में वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूँ, साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, जिधर इंसिडेंट रे होती है उधर आपको नेगेटिव लेना है और जिधर आपकी दूसरी साइड होती है वो पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ पर कोई पॉलिस तो हो नहीं रही है कि आप पॉलिस पे प्लस लगाओगे और मिरर से माइनस लगाओगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि जिधर इंसिडेंट रे उधर नेगेटिव, जिधर दूसरी साइड वो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव हो जाएगी। एक साइड अगर नेगेटिव है तो दूसरी साइड हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो ध्यान रखें, यानी कि आपको जो जिधर रे है उधर नेगेटिव और जिधर रे जा रही है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो होता है वो आपका एच आई अपॉन एच ओ होता है या फिर एन वन अपॉन एन टू टाइम्स ऑफ V अपॉन यू। अगर आपने लेंस में मैग्निफिकेशन याद रखा हो तो वो V अपॉन यू होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेंस जो होता है ना उसके दोनों साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर अगर मतलब एक जैसा मीडियम होता है, ठीक है। तो अगर वो एक जैसा मीडियम होता है तो उससे क्या होता है कि एन वन और एन टू आपका इक्वल हो जाता है, तो इसीलिए आपका आंसर V अपॉन यू आता है वहां पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर सिंपल सी बात करें इस रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस की, तो यहाँ पर दो चीजें होती है, एक फोकस इधर का एक फोकस इधर का। तो यहाँ पर दो फोकस पॉइंट होते हैं और एक फोकस पॉइंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है। मतलब बेसिकली ऐसा देखो, दो फोकस होते हैं। फर्स्ट फोकस, पहला फोकस वो जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है, जिधर आपका ऑब्जेक्ट है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका अगर ऑब्जेक्ट है तो हमने यू इक्वल टू एफ वन लिया और आपका जो इमेजेस बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी और इमेज इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट फोकस पर रहा होगा। एक ही चीज है ये, ठीक है। या फिर ऐसा कह लो कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी, तो जो इमेज पॉइंट होता है वो सेकेंड फोकस होगा और जो ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है वो फर्स्ट फोकस होता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट फोकस है, अगर आप यहां पर क्या वैल्यू पुट कर दो, अगर आप यहां पर v की वैल्यू इनफिनाइट पुट कर दोगे तो आपका आंसर ये जीरो आ जाएगा। तो रिमेनिंग आंसर जो बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, n1 upon f1 is equal to n2 minus n1 upon r, and you have to remember this formula, बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट काम आएगा। अब नॉट अगली जो चीज है वो है सेकंड फोकस। सेकंड फोकस क्या होती है? सेकंड फोकस जो होती है उसमें इमेज पॉइंट होती है, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज जो है वो फोकस पर बन जाएगी। तो सेकंड फोकस होती है n2 अपॉन f2, ठीक है, और ये हो जाएगी n2 माइनस n1 अपॉन r। दिस इज द सेकंड फोकस एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज वेल। अगर आप यहां पर देखो तो ये वाली चीज इसमें और ये वाली चीज इसमें दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये भी आपके सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें मिली, क्या मिली, और वो आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, कि जो माइनस ऑफ एन वन अपॉन एफ वन होता है वो इक्वल होता है एन टू अपॉन एफ टू के, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी कि बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि आप बार बार थोड़ी ना इसे लगाओगे, एक बार यूज किया आगे बढ़े। फिर अगला हमेशा की तरह जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अगला टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी के क्वेश्चन यहां पर कैसे आ सकते हैं, ये हमारी स्फेरिकल सरफेस है, आपका सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ये n1 है ये n2 है, ठीक है, और आपको यहाँ पर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, अगर आपको इमेज की स्पीड अगर फाइंड करनी है तो क्या होगी, तो यहाँ पर जो इमेज की स्पीड होगी उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि वो होगी n1 अपॉन n2 v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इंटू वी ओ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये अच्छे से निकाला जा सकता है डिफरेंशिएशन वगैरह करके, बट लेकिन वी डोंट हैव सो मच टाइम, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना है, n1 अपॉन n2 v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। बेसिकली ये क्या है, ये देखो पूरा मैग्निफिकेशन ही है, ठीक है। जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे, चाहे प्लेन मिरर था चाहे आपका स्पेरिकल मिरर था, तो वैसा ही कुछ है ये, ठीक है। मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ वी ओ है, बट लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन इतना होता है तो इसलिए ऐसे लिख दिया है, ठीक है। Now comes to the next point. अब है हमारा question. अगर मैं question की बात करूं तो मैंने क्या किया, यहां पर इस तरीके से एक क्या ले लिया, एक spherical surface ले ली, इधर मैंने air ले ली और इधर हमारी incident ray है। ये हमारा दूसरा point है जहां पर ये incident ray जा रही है और ये हमारी radius of curvature है जो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले आपको देखो, हमेशा मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको दोनों फोकस पॉइंट फाइंड करने हैं, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस। अब देखो एक चीज ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, ध्यान ये रखें कि साइन कन्वेंशन कैसे लें, क्योंकि इधर इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो इधर के साइन नेगेटिव होंगे इधर के पॉजिटिव होंगे, बस इतनी सी पॉइंट ध्यान रखें, जिधर रे उधर नेगेटिव। अब यहां पर हमें अगर फोकस कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। देखो हम जानते हैं माइनस एन वन अपॉन एफ वन जो होता है वो एन टू माइनस एन वन अपॉन आर होता है, तो माइनस का माइनस, एन वन हमारा कौन सा होता है, जिस मीडियम में रे होती है, ठीक है, यानी कि ये आपका एन वन हो गया, ये आपका एन टू हो गया,
तो एन वन आपका एक है, एफ वन आपका कितना है हमें निकालना है फर्स्ट फोकस, और एन टू हमारा 3/2 है यानी कि 1.5 में से एक घटाना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी प्लस की है या माइनस की, अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो हमारी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर साइड होगी और इधर के सारे साइड नेगेटिव, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर -10 होगी, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट फोकस आएगा वो यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस के, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें। अब यहाँ से अगर हमारा फर्स्ट फोकस आ गया तो क्या हम दोबारा से पूरे फॉर्मूले को लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम सीधे क्या करेंगे, अगर हमें सेकंड फोकस निकालना है तो वी वुड यूज अपना डायरेक्ट रिलेशन कि भाई N1 F1 जो होता है N2 F2 के बराबर। नाउ हमें पता है कि भाई जो N1 F1 है, मतलब जो N1 है वो एक है और फोकस आई है हमारी 20 पहली वाली, N2 हमारी कितनी है 3/2 है, और हमारी F2 हमें कैलकुलेट करनी है, 2 से ये 10 बार गया तो F2 सीधे सीधे हमारा माइनस के 30 आ गया, ठीक है। हमने F2 भी कैलकुलेट कर लिया, F1 भी कैलकुलेट कर लिया, एंड हमें दोनों आंसर मिल चुके हैं। तो क्या हमने आसानी से निकाल लिया? अब आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें से ऑब्जेक्ट पॉइंट कौन सा है और इमेज पॉइंट कौन सा है, तो डायरेक्ट ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट पॉइंट इज ऑलवेज द फर्स्ट फोकस एंड इमेज पॉइंट इज ऑलवेज द सेकंड फोकस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये तो फोकस के क्वेश्चन हो गए, अगर इसमें एक और क्वेश्चन हम आगे बढ़े तो आपसे क्या पूछा जा सकता है। मैंने सपोज यहां पर पूछ लिया कि बताओ कि ये हमारा क्या है, ये स्फेरिकल सरफेस है, आपको पूछा कि यहाँ पर इस तरीके से एक स्फेरिकल सरफेस ले ली, इधर एयर ले ली, इधर हमारा दूसरा मीडियम ले लिया 3/2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमने 10 सेंटीमीटर ली है, तो आपसे पूछा कि जो इमेज बनेगी वो बताओ आपकी उसका नेचर क्या होगा, मतलब वो इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी, लार्ज होगी, कैसी होगी, उसका मैग्निफिकेशन और उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब वी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली कर सकते हैं। इधर एयर है, इंसिडेंट रे भी इधर है, मतलब इधर के साइन नेगेटिव, इधर के साइन पॉजिटिव। अगर आपको नहीं दी है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो हमेशा आपको कौन सी लेनी है, लेफ्ट वाली लेनी है, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब आपको यहां पर दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली कहां पे रखा हुआ है, वो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं, मतलब वो कहीं यहाँ पर रखा हुआ है इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है, तो यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अब हमारा यू पॉजिटिव हो गया, अब हमें निकालना क्या है, हमें इमेज फाइंड करनी है, हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है स्फेरिकल सर्फेसिस में, और वो कौन सा है, ये वाला। अगर हमें इमेज वगैरह निकालनी है तो हमेशा यही यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगर हमें ये आता है तो हम इजिली कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर हमें सब कुछ पता है, तो हमारा ये R कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, और हमारा N2 कितना हो जाएगा, N2 की जगह अगर हम देखें तो इस N2 की जगह हम अपना रख देंगे 1.5, इस N1 की जगह 1 रख देंगे, ठीक है। तो ये 1.5 हो गया, ये 1 हो गया, और इस V की जगह कितना रख देंगे, V हमें फाइंड करना है, U की जगह हम 10 रख देंगे। अब ये प्लस होगा या माइनस, क्योंकि U आपका प्लस साइड में है, तो ये आपका 10 कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का, और जो आर है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यू प्लस के 10, और जो आर है वो कैसा हो जाएगा, माइनस के 10। माइनस क्यों, क्योंकि आपका जो बेसिकली आर है वो इधर की साइड होना चाहिए और इधर के सारी साइड नेगेटिव है, तो माइनस 10 हो गया। अब एन टू और एन वन हमें पता ही है, 1.5 में से 1 गए तो कितने बचते हैं, 0.5, तो हमने क्या किया, इसकी जगह 0.5 लिख दिया, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम 0.5 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें सब कुछ पता चल गया, अब हमें सीधे सिर्फ एक ही कैलकुलेट करना है, V, और V हमारा आएगा प्लस के 30, ठीक है। और जो प्लस के 30 है तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो प्लस साइन होता है वो हमेशा क्या इंडिकेट करता है, इमेज कैसी है यहाँ पर। अगर प्लस साइन है तो ध्यान रखें यहाँ पर जो इमेज है वो रियल है, क्यों, क्योंकि देखो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगी। अब आप कहेंगे कि आपने तो बताया था नेगेटिव, यही मैं बताने वाला था, अभी डिस्कस करने वाला था कि जो स्पेरिकल सर्फेसिस होती है या उसके आगे के जितने भी पॉइंट होंगे लेंस वगैरह, वहां पर अगर इमेज पॉजिटिव आती है तो वो रियल होती है, ठीक है। और ऐसे ध्यान रखो कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनी है, देखो ऑब्जेक्ट भी प्लस में है और इमेज भी प्लस में बनी है, तो जिधर ऑब्जेक्ट है अगर उधर ही इमेज बनती है तो वो हमेशा कैसी होगी, रियल ही तो होगी भाई। जिधर ऑब्जेक्ट था यानी कि जिधर आप खड़े थे उधर ही आपकी इमेज बनी है, तो वो मिरर के अंदर तो बनी नहीं है, वो तो आपकी साइड में बनी है, तो वो रियल है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है ना। चलो मुझे बस यही बताना था और आई होप मैं इसको बता पाया हूं, ठीक है। क्या आपको इज एवरीथिंग इज क्लियर? अगला पोर्शन पढ़ते हैं और जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज लेंस, ठीक है। लेंस में भी आपके दो दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। जो पहला फोकस होता है यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है जैसे वहां पर था, और दूसरा फोकस यहाँ पर इमेज पॉइंट होता है जैसे वहां पर था। तो पहला फोकस आपका बेसिकली फिर भी यहाँ पर भी वही रहेगा, ठीक है, जैसे हमने ये लेंस बनाया और
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है, तो आपका रेज कुछ ऐसे बनेंगी, ठीक है? ओके, तो आई होप आप इसको ध्यान रख पाएंगे। ये आपका कैसा हो गया, ये कन्वर्जिंग होता है, ठीक है? देखो जाना ऐसे चाहिए था लेकिन इनको कन्वर्ज कर दिया गया है, ठीक है? ये कन्वर्जिंग होता है। और दूसरा वाला जो होता है कॉनकेव वाला, वो आपका कैसा होता है, वो जैसे अगर ऐसे रे आई और ऐसे रे आई तो वो उल्टा इनको डाइवर्ज कर देता है इस तरीके से, ठीक है? ध्यान रखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत छोटी चीजें समझ में आएंगी। फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का कॉन्सेप्ट सब सेम ही है, ठीक है? फिर से आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट फोकस हो सेकंड फोकस हो, दोनों में सेम है बिल्कुल, जैसा आपका जैसा स्फेरिकल सरफेसेस में था। फॉर्मूले अगर हम पढ़ें तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो होता है आपका फोकल लेंथ का ही, लेंथ मेकर फॉर्मूला कह लो चाहे कुछ भी कह लो। तो सॉरी, ये आपका 1/f है, ठीक है? और ये n माइनस 1 है। अब ये n क्या है, n आपका बेसिकली वैसे तो रेशियो होता है लेकिन क्योंकि एक साइड में एयर है और लेंस का n है तो इसलिए n माइनस 1 लिख दिया। 1/r1 - 1/r2, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है? ये बहुत ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है। और अगर आपको इस ऑप्टिक्स में फॉर्मूले याद नहीं हुए तो समझ लो आपका कोई भी क्वेश्चन सही नहीं होने वाला। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हो, अगर आपको फॉर्मूला गलत याद रह गया तो सब गलत हो गया, ठीक है? और यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि इन फॉर्मुलों के अलावा कुछ कर दोगे, फॉर्मुले आपको हमेशा आने चाहिए। अगर मान लो लेंस को आपने डुबो दिया एक मीडियम में, ये हमारा लेंस था अच्छा खासा, वो पहले एयर में था, अब इधर भी आपने एक मीडियम, क्योंकि लेंस है तो दोनों साइड मीडियम आ जाएगा, पानी में डुबो दिया मान लो, तो अब इस केस में जो हमारी नई फोकल लेंथ आएगी उसको हम मीडियम की फोकल लेंथ कहेंगे, वो चेंज हो जाएगी। अब जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, n/(n-1)/(1)r1 - 1/r2, ठीक है? इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। ओके, चलो अब जो आपका फॉर्मूला है वो चेंज हो चुका है और आपने देखा यहाँ पर क्या हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो मैंने पहले ही कहा था रेशियो था, तो ये n/nm हो जाएगा, ठीक है? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और आप इनको लिख लेना। और अब हम देखो यहाँ पर बात करते हैं जो असली फॉर्मूला आपके जो ज्यादा काम आएगा, इससे भी ज्यादा जो आपको ये रिलेशन काम आएगा, ठीक है? तो क्योंकि ये दोनों इनवर्स हैं, fm देखो fm जो है वो इसके इनवर्स है क्योंकि ये नीचे है अपॉन में है और ये ऊपर है, तो आपका fm में ये आ जाएगा और f में ये आ जाएगा, ठीक है? तो fm में क्या आ जाएगा, n-1 और अपॉन आपका नीचे आ जाएगा n/(n-1), ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो नया फॉर्मूला है, मतलब ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, आपको ऐसा नहीं है कि आप बार बार उनको यूज कर रहे हो, काटा घुटी कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको सीधे याद होना चाहिए ये चीज याद होनी चाहिए कि एक बार अगर मिरर किसी एक बार अगर लेंस किसी मीडियम में है और एक बार एयर में है तो उनकी फोकल लेंथ का रेशियो क्या होता है, ठीक है? कुछ भी पूछा जा सकता है इसके थ्रू। ओके, अब इससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं और फोकल लेंथ के बाद जो अगला फॉर्मूला है यहाँ पर वो है आपका UVF का रिलेशन हमेशा की तरह, और वो है आपका 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है? Until unless आपको कहा ना जाए कि ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है या फर्स्ट फोकस है, हमेशा सेकंड फोकस ही होता है, ठीक है? अगर आपको डायरेक्ट f लिखा मिला है तो समझ लेना वो इमेज पॉइंट है, मतलब सेकंड फोकस है, ठीक है? हमेशा सेकंड फोकस होता है जब तक आपको कहा नहीं जाए क्वेश्चन के अंदर, तो ये सेकंड फोकस है, ठीक है? और आपको ध्यान रखना है ये v और u, आपको पता ही है v और u क्या होते हैं, ठीक है? अब आपको इसको अगर हम सॉर्ट करते हैं तो मिरर की तरह ही दूसरा इसका रिलेशन आ जाता है इस तरीके से, जो v है वो UF/u+f हो जाएगा। तो आपका जो स्फेरिकल मिरर होता है उसमें UF u-f होता है, जबकि लेंस में UF/u+f हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, दूसरी साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, जबकि मिरर में u-f हो जाता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमारा हमेशा की तरह बहुत जरूरी है, ठीक है? नाउ इफ वी टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन, तो ये हमारा सपोज लेंस है कॉन्वेक्स। अगर हम इस लेंस की बात करें तो अगर हमारी सपोज इधर इंसिडेंट रे है, तो अगर इधर इंसिडेंट रे है तो उस उधर वाले साइन नेगेटिव और दूसरी वाले पॉजिटिव, ये वही कहानी है जो स्फेरिकल सरफेस में थी, ठीक है? अगर मान लो ये वाला लेंस नहीं है, ये वाला है, तो उस केस में क्या रहेगा, तो उस केस में जो रहेगा वो ये रहेगा कि इधर इंसिडेंट रे अगर है, ठीक है, अगर इधर इंसिडेंट रे अगर है तो इधर के साइन कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव, और इधर के साइन पॉजिटिव, ठीक है? इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आई होप गाइस आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, और बाकी के जो साइन है वो आपको मैं और बता देता हूँ, जैसे हमारा सबके मतलब क्या होते हैं। जैसे हमारी फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो वो कौन से लेंस के लिए होती है, कॉन्वेक्स के लिए,
अगर नेगेटिव है तो वो किसके लिए होगी, कॉनकेव। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो दो फोकस होते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा जब तक आपको मेंशन ना किया जाए क्वेश्चन में कि आपको फर्स्ट फोकस लेना है तो आपको हमेशा सेकंड फोकस ही लेना है, ठीक है। तो ये सेकंड फोकस की बात करी जा रही है जो इमेज पॉइंट है, ठीक है। और फोकस के अलावा आपका अगला होता है यू। यू तो हमेशा वही रहेगा जो हमेशा रहता आया है, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव आपका रियल और पॉजिटिव आपका वर्चुअल, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद अगला है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो मतलब इमेज इरेक्ट बनी होगी, नेगेटिव है तो मतलब वो इन्वर्टेड बनी होगी, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। अगर वो इरेक्ट है तो वो बिल्कुल कुछ भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। सबसे ज्यादा जरूरी जो पॉइंट है मुझे बताना है वो वी का है, इमेज का। इमेज नेगेटिव होगी और पॉजिटिव होगी तो क्या क्या होगा। अगर इमेज पॉजिटिव है तो वो आपकी रियल बनेगी, और वो अगर नेगेटिव है तो वर्चुअल होगी अब की बार, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, स्फेरिकल सरफेस में जब क्वेश्चन कर रहे थे तो वी पॉजिटिव होती है तो वो रियल होती है, और वी नेगेटिव होती है तो वो वर्चुअल होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे तो क्या ये सब चीजें आप याद रख पाओगे, इज इट क्लियर, मुझे बताओ जल्दी से। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करें रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज की, तो अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनी है तो उस केस में हमेशा आपका जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, और मैग्निफिकेशन फिर इस केस में नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका फिर से वही कहानी आ जाए, रियल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी रियल इमेज, दोनों ही अपोजिट हो जाए तो आपकी इरेक्ट बनेगी, और अगर इरेक्ट बनी तो आपका जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की तो मैग्निफिकेशन तीन तरीके के, पहला आपका सिंपल वाला ट्रांसवर्स वाला जो होता है एच आई अपॉन एच ओ या फिर वी अपॉन यू। देखो स्पेरिकल मिरर में माइनस आता था, यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, और स्पेरिकल सर्फेसिस में एन वन अपॉन एन टू आती थी, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो एन वन अपॉन एन टू है उसमें वन अपॉन टू हो जाए, वन क्योंकि यहाँ पे मीडियम दोनों साइड में सेम रहता है इसीलिए ये आ जाएगा, ठीक है। और या फिर f अपॉन f प्लस यू, ध्यान रखना यहाँ पर एक अंतर है उससे, यहाँ पर प्लस है जबकि मिरर में आपका नेगेटिव था, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है वो है लॉन्गिट्यूडनल के लिए। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है, इमेज आपकी लेंथ के अक्रॉस होती है, तो वो होता है एल आई अपॉन एल ओ या फिर डी वी अपॉन डी यू यानी कि एम स्क्वायर के बराबर। ये तब है जब आपका बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर बहुत छोटा नहीं है तो आपको सीधे ये ध्यान रखना है, डी वी की जगह डेल्टा कर लेना, ठीक है, अगर छोटा ऑब्जेक्ट नहीं है। एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन की भी वही कहानी है, ए आई अपॉन ए ओ इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस कहीं नहीं आता है, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा खूबसूरती आपको एक चीज नजर आ रही होगी, लेंस में माइनस कहीं भी नहीं है, देखो तो ये बहुत आसान हो गया याद रखना, ओके। लेकिन जो मिरर है उसमें एक कई जगह माइनस आता है, तो मिरर थोड़ा और कठिन होता है लेंस के कंपेरिजन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब उसके बाद हमेशा की तरह अगली पॉइंट पर आते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करें तो पहला पॉइंट है वेलोसिटी में, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे हमारा ये लेंस है, ठीक है, और आपकी ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और आपकी हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करनी है, और आपका ये हमने सपोज लेंस भी मूव करता हुआ ले लिया, तो आपकी यहाँ पर भी वही उसी तरीके से होता है सब कुछ, एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी ओ एल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला केस। और दूसरा केस होता है, अगर देखो लेंस अगर रेस्ट पर है तो वी आई हो जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर चल रहा है, ये आपका लेंस है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो आपकी जो इमेज है वो ऐसे चलेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वी आई होगा वो एम टाइम्स ऑफ वी ओ होगा, ओके। नाउ अब आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, और अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे लेंस के, ठीक है। लेकिन इससे पहले, क्वेश्चन से पहले मैं एक और आपको एक और चीज बता देता हूँ। जैसे जो मिरर था उसके अंदर एक स्पेशल चीज होती थी न्यूटन्स फॉर्मूला, वैसे ही लेंस के अंदर एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड बेसिकली क्या है, यहां पर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड में कि यहां पर ये आपकी क्या है, स्क्रीन है, ओके, ठीक है। और आपका ये स्क्रीन है और ये हमारा लेंस है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेथड एक लेबोरेटरी मेथड है। यहाँ पर आपने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट को रखा और इस लेंस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, इसकी एक इमेज बनेगी। तो हम इस स्क्रीन पर इमेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज इसकी इमेज ऐसे बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा केस जो होता है उसके अंदर हम इस लेंस को थोड़ा आगे की तरफ डिस्प्लेस करके देखते हैं। तो हमने थोड़ा डिस्प्लेस किया, सपोज हमने x डिस्प्लेस किया, तो जैसे हम इसको x डिस्प्लेस करते हैं तो इसकी इमेज दोबारा कहीं बनेगी,
तो सपोज अब की बार वो यहाँ कहीं बन गई, तो हम इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये है, ये तो आपकी क्या हो जाएगी, u, ठीक है भाई। लेंस से आपकी जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, उसे u कहते हैं। जो टोटल सेपरेशन है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में, उसे हम d कह देते हैं, ठीक है, कैपिटल d। और बचा हुआ कितना हो जाएगा, d माइनस u, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देख लो। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फोकल लेंथ कितनी होगी, तो वो होगी डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना ये डी है, और अपॉन 4d। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्ट की हाइट, तो वो होगी I1 इंटू I2 का रूट। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो दोनों इमेजेस का एरिया, दोनों जो इमेज बनी है उनका एरिया और उसका रूट, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को ध्यान रख पाएंगे, और इस सब चीज़ों को ध्यान रखें प्लीज। तो हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये हमारा क्या है, लेंस है, ठीक है, और ये कौन सा है, कॉनकेव है, ठीक है। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, आपको जो फाइंड करना है वो फोकल लेंथ फाइंड करनी है। आपको इंसिडेंट रे के बारे में नहीं दिया जाए तो हमेशा आपको कौन सी साइड में इंसिडेंट रे माननी है, लेफ्ट साइड में। तो इधर के साइन नेगेटिव, इधर के साइन पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो इधर की साइड में जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी, जबकि इधर वाले की आपकी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो जिधर इंसिडेंट रे आती है वो आपकी R1 होती है, और जिधर इंसिडेंट रे जाती है वो आपकी R2 होती है। तो R1 क्या है, R1 आपकी -10 हो जाएगी, और R2 क्या है, +10 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगा -10 cm। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। और माइनस अगर फोकल लेंथ आ रही है तो इसका सीधा फंडा आप समझ पा रहे होंगे कि भाई जो आपकी फोकल लेंथ है वो किधर की साइड है, फिर इसकी ये इमेज पॉइंट, आपकी इमेज किधर बन रही होगी, लेफ्ट साइड में, ठीक है। चलो आगे आते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसको आगे समझ पाए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका इस तरीके से कि कॉन्वेक्स लेंस है वो हवा में रखा हुआ है, और उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। आपको बताना है कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी अगर उसे वाटर में आप डुबो दो तो, ठीक है। तो हम वही तरीका लगाएंगे जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि आपको कोई भी कभी भी ऐसे ऊपर नीचे इस तरीके से नहीं करना है कुछ भी। तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करना है, अगर आपको याद है तो आप समझ लीजिए 10 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं याद है तो फिर आप क्या करोगे, वही जो फॉर्मूला है 1/F = n-1, 1/R1 - 1/R2 लगाओगे। तो अगर FM है तो आपको बताना क्या है, फोकल लेंथ वाटर में बतानी है। तो फोकल लेंथ वाटर में कैलकुलेट करोगे, और जो फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का वो कितना है, फोकस है आपका कॉन्वेक्स लेंस का वो बेसिकली 10 है, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और जो n है वो कितना हो जाएगा, 1.5 - 1.5, तो यहाँ पर जो n है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन n मीडियम, ठीक है। मीडियम का कितना है, पानी है, 4/3 - 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, +40 cm, ठीक है। पहली फोकल लेंथ कितनी आ रही थी, जो पहली फोकल लेंथ थी वो 10 थी, और अब की बार फोकल लेंथ 40 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर फोकल लेंथ बड़ी है, देखो ध्यान रखना फोकल लेंथ पावर के इनवर्स होती है, अगर फोकल लेंथ बड़ी है तो पावर कम हुई होगी लेंस की, अब ठीक है। पावर का मतलब क्या है कि लेंस जो आने वाली रे है उसको कितना कन्वर्ज करेगा, कितना डाइवर्स करेगा। एक और क्वेश्चन आगे करके देखते हैं लेंस में। ये हमारा लेंस है, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और यहां पर आपने क्या किया, बेसिकली यहां पर आपका जो ये है आपका सी, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आपको यहाँ पर जो CO है वो 15 दिया गया है, मतलब एक बेसिकली U आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि अगर U हमारा 15 सेंटीमीटर है
तो यहाँ पर आपका जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यू की, तो हमें 15 दिया गया है, हमें एफ दिया गया है 10। आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको सिर्फ यहाँ पे वी बताना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जिधर ऑब्जेक्ट है मतलब इंसिडेंटरी, फिर क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अच्छा खासा रियल दिया गया है तो इंसिडेंटरी फिर यही, और अगर जिधर आई आर उधर नेगेटिव, दूसरी साइड में ऑटोमेटिक पॉजिटिव। अगर हमें U 15 दिया गया है, F हमारी 10 दी गई है, हमें V कैलकुलेट करना है, तो V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा UF अपॉन U प्लस F। U 15 है, F आपका कितना है 10 है, ठीक है, और आपका जो U है वो माइनस के 15 है या प्लस के, तो ऑब्वियस ही बात है वो माइनस के साइड में है, तो माइनस के 15, और हमारा U माइनस के 15 प्लस 10 आपने करा, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ऊपर 150 नीचे 5, तो ये 30 आ गया, ठीक है। तो हमारा V कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव V आने का जो मतलब है वो क्या होता है, अगर पॉजिटिव V आती है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो आपका इमेज बनी होगी वो कैसी बनी होगी, वो आपकी पॉजिटिव साइड में बनी है, और पॉजिटिव इमेज आती है तो मतलब इन्वर्टेड है वो, ठीक है। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे कुछ चीजों को देखेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर मतलब क्वेश्चन घुमा फिराकर मैग्निफिकेशन वगैरह वगैरह इन सब के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वेलोसिटी का, और कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी वेलोसिटी का एक भी नहीं किया है। मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर आपको इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है, अगर ऑब्जेक्ट आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, हमें लेंस में क्या फॉर्मूला पता है, वी आई एल जो होता है वो एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ वी ओ एल हो जाएगा, ठीक है। अब इमेज की अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेंस की हमें जो वेलोसिटी है वो दी नहीं गई है, तो सीधा सीधा यहाँ पर 0 पुट करोगे, ठीक है, वी एल की जगह। मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या करें, मैग्निफिकेशन लेंस का होता क्या है, ये होता है एफ अपॉन F माइनस यू, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन F हो जाएगा प्लस के या माइनस के 10, माइनस के 10, क्योंकि कैसा लेंस है, कॉनकेव है, माइनस के 10, और U हमारा कैसा हो जाएगा, क्योंकि इधर इधर ही आपका ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली इधर माइनस इधर पॉजिटिव, तो आपका U माइनस के 40 हो जाएगा, और माइनस के 40 आपका यहाँ पर हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका U माइनस के 40 हुआ, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1/5, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, तो यहां से हमारा ये 1/5 आ गया। तो अब हमारा मैग्निफिकेशन आ चुका है, नाउ मैग्निफिकेशन इज 1/25, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये 1/25 कैसे हो गया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। वी ऑब्जेक्ट कितना है, वी ऑब्जेक्ट हमारा 4 है, वी एल हमारी 0 है, मतलब लेंस की जो स्पीड है वो यहाँ दी नहीं गई है, लेंस रुका हुआ है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वी आई का वो आ जाएगा प्लस का 4/25। और प्लस का आंसर आने का मतलब क्या है कि जो हमारा इमेज है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट जो है अपना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वगैरह के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सीधे सीधे आएंगे, डिस्प्लेसमेंट जो फॉर्मुला मैंने बताया एफ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें होती हैं, कुछ भी ऐसा कठिन होता नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। अब हम आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पावर। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी पॉसिबल पावर है उनको एक जगह पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, अगर मैं बात करूं कॉन्वर्जिंग की, तो बेसिकली जो कॉन्वर्जिंग होती है मतलब कन्वर्जिंग सिस्टम जो होता है उसमें पावर आपकी कैसी होती है, कन्वर्जिंग सिस्टम में पावर आपकी पॉजिटिव होती है हमेशा, ठीक है। और जो डाइवर्जिंग सिस्टम होती है, डाइवर्जिंग सिस्टम में पावर हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, गोल स्टेटमेंट मतलब इसको सीधा स्टेटमेंट बना लें, जो भी कॉन्वर्जिंग सिस्टम है पूरी ऑप्टिक्स के अंदर उसके हमेशा पावर पॉजिटिव होगी, जो भी डाइवर्जिंग सिस्टम है उसमें पावर नेगेटिव होगी। ये कन्वेंशन है, मतलब ये कोई मतलब ऐसा नियम नहीं है, ये हमने बना लिया है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग सिस्टम की हमेशा पावर पॉजिटिव आती है और डाइवर्जिंग सिस्टम की हमेशा पावर नेगेटिव आती है। अब देखो मिरर में आ जाओ, तो मिरर में कन्वर्जिंग कौन होता है, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, कौन कन्वर्ज करता है, कॉनकेव। और अगर हम बात करें लेंस में, तो कन्वर्जिंग कौन होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो उनकी पावर कैसी होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ध्यान रखें ये रूल आपको ध्यान रखना है, कन्वर्जिंग सिस्टम की पूरी फिजिक्स में पावर पॉजिटिव एंड डाइवर्जिंग सिस्टम की पूरी फिजिक्स में पावर नेगेटिव। नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मुला की बात करते हैं, पावर को कैलकुलेट कैसे करें। तो पहला जो तरीका है कैलकुलेट करने का वो है आपका रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस के लिए, ठीक है।
जो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मान लो ये कन्वर्जिंग सिस्टम है हमारा, और यहाँ पर एन वन है, यहाँ पर एन टू है, तो हमारा जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, ठीक है, पावर हमारी क्या हो जाएगी, एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, मैंने बताया भी था आपको. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ लेंस. अगर हम लेंस की पावर की बात करें, हमने सपोज कौन सा वाला ले लिया, प्लस वाला ले लिया, मतलब कन्वर्जिंग लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, इधर रेडियस आर वन, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू, और इधर लेंस की जो आपकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो एन. तो यहाँ पर जो पावर होगी वो क्या होगी, जो पावर होगी वो होगी बेसिकली, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पावर जो होती है वो बेसिकली वन अपॉन एफ होती है. बट लेकिन जो वहां पे वन होता है ना, उसका एक कॉज होता है, वो वन क्यों आया, देखो पावर जो होगी वो पी वन प्लस पी टू हो जाएगी, मतलब दोनों सरफेसिस की जोड़ दो. देखो यहाँ पे बेसिकली लेंस है क्या, दो रिफ्रेक्टिंग सर्फेसिस का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों की पावर जोड़ दोगे, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा पावर का वो आएगा एन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है. तो यहाँ पर जो पावर होगी वो वन अपॉन एफ हो जाएगी. ठीक है, अब ये जो वन है ना, इसका एक मतलब है, ये जो वन है ना बेसिकली वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है. ओके, दिस इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. नाउ अब हम पावर पढ़ते हैं इसकी, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है, अगर लेंस मीडियम में होता है, देखो अभी अभी हमने देखा पावर आपका वन अपॉन एफ आई थी, तो सिंपल सी बात है, अगर लेंस मीडियम में है तो पावर कितनी हो जाएगी, जो आपका अगर मीडियम है तो उसका ऊपर क्या आ जाएगी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और नीचे क्या आ जाएगी, नीचे आपकी एफ आ जाएगी, लेकिन वो एफ कौन सी आएगी, मीडियम वाली, ठीक है. अब यहाँ पर पावर स्फेरिकल मिरर की देख लो, तीसरे नंबर पे है मिरर. मिरर की जो पावर होती है एयर में, अगर हम एयर में बात करें तो एयर में जो होती है वो होती है माइनस वन अपॉन एफ, ठीक है. और यहां पर वन क्या है, फिर से वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का रेडियस अपॉन टू होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस टू अपॉन आर, ठीक है. और किसी मीडियम में डाल दोगे तो, क्योंकि वहां पे वन आ रहा था एयर में रहने की वजह से, तो अब कितना आ जाएगा, माइनस एन एम अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस टू एन एम अपॉन आर, ठीक है ना, ध्यान रखें. तो यहां पर फिर से जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी पावर चेंज हो जाती है मीडियम के हिसाब से. एन एम आप बेसिकली वन क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, और एन एम आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, ठीक है. अब क्वेश्चन अगर हम करें कुछ, तो क्वेश्चन करके देख लेते हैं. सपोज हमारा ये एक लेंस है जो कॉनकेव लेंस है, यहाँ पर हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है. आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करनी है इस सिस्टम की. कौन सा सिस्टम है बताओ, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव, डाइवर्जिंग सिस्टम है, तो ऑब्वियसली बात है चार ऑप्शन होंगे, तो चार में से दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन हो सकता है पॉजिटिव भी हो, तो आपका क्वेश्चन का आपको सॉल्व भी नहीं करना, आपको देखना है बस कि डाइवर्जिंग सिस्टम है, मतलब नेगेटिव आंसर आएगा पावर का. तो आपको देखना है चार ऑप्शन में से कोई ऐसा पावर है, कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें नेगेटिव है, अगर एक भी ऐसा ऑप्शन हुआ तो सीधा वही कर देना, ठीक है. चलो मान लो नहीं हुआ, दो कई सारे ऑप्शन है नेगेटिव वाले, तो सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है. मैंने बता रखा है पावर का फॉर्मूला क्या है, एन माइनस वन या फिर वन अपॉन फोकल लेंथ बेसिकली, ठीक है, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू होती है. तो कितना हो जाएगा पावर, पावर अगर आपको निकालनी है तो ये हो जाएगा वन अपॉन बेसिकली, यहाँ पर हमें आर वन माइनस आर टू, देखो हमारा जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसा था, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू हमें करना पड़ रहा था, ठीक है. अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बेसिकली आर वन और आर टू हमें दी गई है, तो यहाँ पर हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारी क्या आएगी, ये हमारी जो आएगी वो फोकल लेंथ आ जाएगी, ठीक है. तो हम पहले फोकल लेंथ निकालेंगे फिर हमारा पावर निकल जाएगा. तो फोकल लेंथ अगर हम निकालें तो कितनी आएगी, देखो अगर हम हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम पहले 1 अपॉन एफ करके फोकल लेंथ वो निकाल लें एफ की वैल्यू, या फिर अगर हम सीधे पावर निकालना चाहें तो देखो यहाँ पर जो हमारी 1 अपॉन आर वन होती थी, अगर हम उसको उल्टा कर दें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, आर वन माइनस आर टू हो जाएगी, ठीक है. तो हम कुछ ऐसा ही अगर करें तो ये हमारा आसान हो जाएगा. तो हम सीधे कर लेते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 अपॉन आर वन की वैल्यू ले लेनी है, 1 अपॉन आर वन यहाँ पर बताओ कितना होगा,
10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का आप कर दोगे तो मीटर में लाने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो मीटर में कितना आ जाएगा, ये मीटर में आएगा आप 1/R1 की वैल्यू हो जाएगी 1/10 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करोगे 100 ऊपर पहुंच गया तो आंसर आ जाएगा कितना मीटर में, ये आ जाएगा 1/R1 की वैल्यू 10, ठीक है। 1/R2 की वैल्यू निकालने बैठोगे तो कितनी आएगी, 1/R2 हो जाएगा 1/10, सेंटीमीटर है तो ऊपर गया मीटर में। पावर हमेशा ध्यान रखना डायोप्टर में इसकी यूनिट होती है, तो हमें इसके लिए रेडियस ना मीटर में चाहिए होती है, इसलिए मैं मीटर में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब आपको साइन डिसाइड करने हैं, आपको साइन डिसाइड करने के लिए अगर इंसिडेंट रे नहीं दी गई है तो एक एक वाली जो लेफ्ट वाली है उसको माइनस में लेना है और इसको प्लस में लेना है। अब यहाँ पर जो R1 होगी वो इसके लिए होगी, ठीक है। R1 वो साइड होती है जहां पर इंसिडेंट रे टकराती है, और R2 ये हो जाएगी। तो R1 आपकी नेगेटिव है, R2 आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। देखो नेगेटिव साइड में, ये आपकी पॉजिटिव साइड में है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो अगर आप यहां पर देखो तो हमारी जो पावर है या 1/F है, n-1, n है हमारा 1.5, तो 1.5 में से एक गए तो कितने बचे, 0.5। 1/R1 कितना है, 1/R1 है 10, प्लस आएगा या माइनस, माइनस आएगा, ठीक है। माइनस 1/R2, 1/R2 की वैल्यू कितनी आई है, 1/R2 की वैल्यू आई है 10, और वो प्लस की है तो सीधे सीधे घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा, -20, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -20 में 0.5 का माइनस के 10 डायोप्टर, ठीक है। ये सीधे से ही आपका डायोप्टर में आ गया क्योंकि हमने ये मीटर में लिया है, ठीक है, ध्यान रखें। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन आपको कॉम्बिनेशन का आ गया, ऐसे मान लो दो लेंस हमने ले लिए, इस तरीके से कंबाइन करके ले लिए, और एक लेंस की फोकल लेंथ F1 है, दूसरे की F2 है। ये थोड़ा सा सही कर लेना, ये चोंच हो गई है इसकी। दिस टाइप ऑफ सिस्टम है, आपको यहाँ पर F1 जो है वो 10 सेंटीमीटर है, जो F2 है वो 5 सेंटीमीटर है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस सिस्टम। कैसे कैलकुलेट करें पावर, कैलकुलेट करने का सीधा तरीका, अगर दो सिस्टम है तो दोनों की जोड़ दो सीधे सीधे, ठीक है। नाउ अगर आप देखो तो 1/F = 1/F1 + 1/F2 हमें करना ही है एक तरीके से, ठीक है। क्या आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमें क्या निकालना है, पूरे सिस्टम की पावर निकालनी है, P1 और P2 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमें F1 और F2 दिया है, तो अगर हम यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दें 1/F1 की 1/F2 की, तो हमारा ये आ जाएगा। तो पावर जो आ जाएगा, 1/F1 की वैल्यू क्या होगी, 1/F1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/10, और सेंटीमीटर है तो ऊपर 100 पहुंच गया, यानी कि 10 आ गया, ठीक है। और इसकी कितनी होगी 1/F2 की, 100/5, यानी कि 20 आ गया, ठीक है। नाउ जो F1 है वो आपका कैसा है, F1 है आपका, यहाँ पे जो 1/F1 की वैल्यू है, ये देखो हमने क्या किया है, 1/F1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है 10 और 20, तो हम सीधे सीधे पावर में 10 रख देंगे और इधर 20 रख देंगे। अब दोनों की पावर पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों की पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि दोनों ही सिस्टम कैसे हैं, दोनों ही आपके कन्वर्जिंग है, ओके। तो आंसर शुड बी 30। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। मान लो ये तो था आपके सिर्फ लेंस, लेंस अगर ऐसा कुछ आ जाए, लेंस और मिरर मिलकर आ जाए तो क्या करोगे, मान लो ऐसा कुछ आ गया, ये आपका क्या है, एक साइड में, एक साइड में आपका हमने लेंस ले लिया और इधर हमने पॉलिश कर दी। अब क्या करेंगे, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी जो फोकल, जो इसका मीडियम है वो 1.5 उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है। अब क्या करेंगे, ठीक है, R1 एंड R2 की अगर हम बात करें तो R1 क्या है हमारी, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया है तो इंसिडेंट रे किधर माननी होती है, लेफ्ट में, तो इधर के साइन नेगेटिव, इधर के साइन पॉजिटिव, ठीक है। अगर R1 को देखो
तो हमारा ये प्लेन मिरर है और ये प्लेन सरफेस जो होती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनफाइनाइट होती है। तो हमारी अगर ये आर वन है इधर की साइड, ये अगर आर टू है तो ये आपकी इनफाइनाइट आ गई, ठीक है। और अगर आप आर टू को देखो तो आर टू हमारा क्या हो जाएगा, आर टू जो है वो इधर की साइड ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ऐसे सिस्टम की जो रेडियस होगी वो इधर की साइड होगी। तो R2 भी उधर, R1 भी उधर, यानी कि दोनों ही नेगेटिव, और इनफाइनाइट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 अपॉन R1 की वैल्यू 1 अपॉन इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट, ठीक है, यानी कि जीरो। और R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की जो वैल्यू है वो हमारी है नेगेटिव, यानी कि माइनस के 10। तो 1 अपॉन f कितना है, 1.5 में से एक घटा दो 0.5, और 1 अपॉन आर वन की वैल्यू कितनी है, जीरो। 1 अपॉन आर टू की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन आर टू की जो वैल्यू होगी वो आपकी माइनस, आर टू की वैल्यू है माइनस के 10, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहां पर इसको हटाकर सीधे प्लस लिख दे रहा हूं, ठीक है, ओके। नाउ आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, यहां से इजिली 1 अपॉन एफ का जो आंसर है वो आ जाएगा 0.5 इंटू 1 अपॉन 10, यानी कि वी कुड से दैट 10 सेंटीमीटर है, तो अगर ऊपर 100 कर दें तो ये किसमें आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 1/5 मीटर, ठीक है। बेसिकली ये हमारी फोकल लेंथ आएगी, ये 1/f की वैल्यू नहीं है, देखो f की वैल्यू तो 5 मीटर आएगी। अगर 1/f की वैल्यू 5 मीटर है तो f की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर, 1/5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब ये तो हमारा केवल तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे आते हैं, अब हम मिरर के लिए देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ किसके लिए देखा है, आगे वाले सिस्टम के लिए, मिरर के लिए और यहां पर देख लेते हैं। फॉर मिरर, मिरर के लिए आर कितनी है, माइनस की 10 है, देखो ये माइनस साइड में है तो माइनस के 10 हो गया, ठीक है। माइनस के 10 में है तो मीटर में कर लो, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है तो मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 10 अपॉन 100, यानी कि माइनस के 1/10 मीटर, आर पता चल गई। अब हमें पावर मिरर की निकालनी है, और मिरर की पावर होती है -2/r, ठीक है, क्योंकि मिरर कैसा है, ये मिरर है आपका माइनस वाला, कन्वर्जिंग वाला, ठीक है, डाइवर्जिंग वाला, सॉरी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -2/r की वैल्यू पुट करोगे तो r भी माइनस में है, तो -1/10, तो ये आ जाएगा माइनस के, सॉरी प्लस के 20 डायोप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारी पावर टोटल कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान रखना है जो पावर होगी वो बेसिकली कितनी होगी, पावर यहाँ पर अगर आपको देखो, आप यहाँ पर अगर देख पाओ तो ये सिस्टम को हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। देखो अगर मैं इस सिस्टम को बनाकर दिखाऊं आपको, तो मैं यहाँ पर अगर ऐसे बनाकर दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है। देखो पहले आपका क्या है, पहले आपका यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखो तो ये सिस्टम कुछ ऐसा बिहेव करेगा, जैसे मान लो ये आपका यहाँ पर सबसे पहले ये, ठीक है, लेंस हो गया, फिर उसके बाद मिरर, फिर उसके बाद लेंस, फिर से ये कुछ ऐसा सिस्टम है। देखो पहले रे आएगी लेंस, फिर उसके बाद मिरर से टकराएगी, फिर वापस भी चली जाएगी, तो ये तीन बार का सिस्टम है। तो यहाँ पर लेंस की पावर 2 बार जोड़नी पड़ेगी, मिरर की 1 बार। तो यहाँ पर ऐसे ही हम अगर इसको करें तो हम यहां से क्या करेंगे, जो पावर है टोटल वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ पी एल प्लस 1 टाइम ऑफ पी एम। अब पी एम कितनी है हमारी, 20 है, ठीक है, और हमारी जो पी एल है वो कितनी थी, वो है आपकी देखो 1/f 5 मीटर है। इसका मतलब 1/f होता क्या है, किसके बराबर होता है, पावर के बराबर। तो पावर ऑफ लेंस कितनी है, 5 डायोप्टर। तो जस्ट वी हैव टू पुट दी वैल्यू, तो हम यहां पर अगर वैल्यू पुट करें तो ट्वाइस इंटू पी एल कितनी आई है हमारी, पी एल आई है 5, और हमारी जो पावर ऑफ मिरर है वो प्लस 20 है, तो सारा आंसर प्लस 30 का आ गया, ठीक है, यानी कि इस पूरे सिस्टम की जो पावर होगी वो प्लस 30 डायोप्टर होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और वो है रिफ्रेक्शन थ्रू स्लैब, ठीक है, रिफ्रेक्शन थ्रू स्लैब। तो अगर हम रिफ्रेक्शन थ्रू स्लैब की बात करें तो यहां पर नॉर्मल शिफ्ट होती है, एक चीज नॉर्मल शिफ्ट को अगर हम लिखें एस से, रिप्रेजेंट अगर हम इसको एस से करें, तो अगर ये हमारा एक स्लैब है, ठीक है, और इसकी अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन है, और अगर इसकी थिकनेस टी है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब इसके इसके थ्रू इसकी अगर आप देखोगे,
तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों सरफेसेस की वजह से थोड़ी थोड़ी इमेजेस बनेंगी, और मतलब जो इमेज होगी वो थोड़ी सी शिफ्ट, मतलब शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पर, जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो शिफ्ट होता, दूसरी साइड से अगर देखोगे तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो जो नॉर्मल शिफ्ट होती है वो बेसिकली टी वन माइनस वन अपॉन एन होती है, ठीक है, प्लीज रिमेम्बर इट। वॉट इज द नॉर्मल शिफ्ट हियर, टी, टी फॉर थिकनेस, वन माइनस वन अपॉन एन, एन फॉर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। शिफ्ट हमेशा जो होती है वो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट और सेकंड इमेज के बीच में, ठीक है, ऑब्जेक्ट और सेकंड इमेज, दो दो इमेज बनेगी, एक पहली सरफेस की एक दूसरी की, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है जो नॉर्मल शिफ्ट होती है वो हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होती है, मतलब अगर इंसिडेंट रे ऐसे थी तो आपकी जो शिफ्ट है वो हमेशा आगे की तरफ होगी, और इंसिडेंट रे अगर ऐसे होती तो वो ऐसे लेफ्ट में होती, ठीक है। शिफ्ट हमेशा लिख लेना, नॉर्मल शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और नॉर्मल शिफ्ट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं आ रही है इस फॉर्मुले में, देख लो कहीं भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चंस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारी स्लैब है, इसमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसकी थिकनेस आपकी 6 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट है जो आपका 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई जो आपकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगी स्लैब से वो कितनी होगी, ठीक है, आपको स्लैब से मतलब बेसिकली शिफ्टिंग करके बतानी है। तो जो नई, अब देखो वैसे तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन अगर आप दूसरी साइड से इसको देखोगे तो इसकी शिफ्ट कितनी हो जाएगी वो आपको कैलकुलेट करनी है, और उसमें से माइनस करके आंसर बता देना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द शिफ्टिंग, एंड हाउ इट इज पॉसिबल, हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला टी वन माइनस वन अपॉन एन, अब थिकनेस कितनी है 6, वन माइनस वन अपॉन एन कितना है, एन है हमारा 3/2, तो नीचे 3 ऊपर 2, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना ये हो जाएगा आपका 1/3 यानी कि 2, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर शिफ्टिंग आ गई, मतलब जो आपकी शिफ्टिंग होगी वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब हमारी देखो ऑब्जेक्ट ऐसे है तो रिफ्रेक्टिव जो आपकी इंसिडेंट रे वो ऐसे होगी, मतलब शिफ्ट आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं नजर आएगा इधर कहीं, ठीक है, शिफ्टिंग हो गई, यानी कि हमारी जो इमेज बनेगी आई टू, देखो एक तो इस सरफेस की वजह से बनेगी, एक इसकी वजह से, तो इसकी वजह से जो बनेगी वो आई टू बनेगी, और ये 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गई, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अब डी जो आएगा वो कितना आएगा 10 - 2, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर 8 सेंटीमीटर आएगा, जो हमें फाइनल इमेज दिखेगी वो 8 सेंटीमीटर पे दिखेगी, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट हो गया, 8 सेंटीमीटर, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, और हम जो है और कुछ आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपको सपोज आगे एक शिफ्ट मिलती है लेटरल शिफ्ट, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है लेटरल शिफ्ट का। तो लेटरल शिफ्ट का आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, इसका जो सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखें, टी साइन आई माइनस आर, अब ये आई और आर है क्या, ये सब भी देखेंगे, रुको, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ठीक है। तो लेटरल ये कॉस है, ये आर है, ठीक है, आर फॉर रिफ्रेक्ट, देखो बेसिकली क्या है, मान लो ये हमारी एक क्या थी, या फिर ये हमारी एक स्लैब थी, ठीक है। अब इस स्लैब में क्या हो रहा है, यहाँ पर रे इंसिडेंट हुई, और ये हमारी क्या है, ये हमारी नॉर्मल हो गई, और ये रे जो है क्योंकि ये स्लैब का मीडियम हैवी है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। अब ये जब ये नॉर्मल की तरफ आ गई तो अब ये जब बाहर निकलेगी तो कुछ ऐसे बाहर निकल गई, ठीक है। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रे बेसिकली जानी कैसे चाहिए थी, ये ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन ये गई कितनी, ये कुछ ऐसे गई तो कुछ इतनी शिफ्टिंग हो गई, इसको हम लेटरल शिफ्ट कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल आई होगा, ये वाला एंगल आपका आर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला फिर से क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, तो ये वाला किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आता है, क्योंकि आर और आई बराबर है ना, ठीक है। तो हमने जो अभी फॉर्मूला देखा, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, तो इसमें जो आपका टी है दैट इज थिकनेस, ठीक है, जो आपकी कितनी है यहां से लेकर यहां तक आपकी थिकनेस है, और आपका जो साइन आई माइनस आर है वो बेसिकली कौन सा एंगल है, साइन आई माइनस आर की अगर आप बात करो तो बेसिकली वो ये वाला एंगल हो जाएगा। देखो यहां पर आप देखो, ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, ये वाला आर है, तो ये पूरा बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, तो ये हमारा आई माइनस आर एंगल है, ठीक है। तो ये आपका साइन आई माइनस आर वाला एंगल हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, अगर आपको थिकनेस दी जाए 10 सेंटीमीटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको अगर मान लो थिकनेस दी जाए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज आपको 3/2 दे दी जाए तो आपको लेटरल शिफ्ट फाइंड करनी है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 2 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 डिग्री है और आपको यहाँ पे लेटरल शिफ्ट फाइंड करनी है तो लेटरल शिफ्ट का तरीका क्या, टी आई माइनस आर। बेसिकली देखो अगर एंगल 2 डिग्री है तो आप साइन और कॉस को हटा सकते हो, ये बड़ा फायदा होता है, ठीक है। तो टी आई माइनस आर और अपॉन आपका आर, ठीक है। तो कॉस और साइन हट जाएंगे क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, ओके। तो आपका जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर हो गई, जो आई और आई है बेसिकली, और जो आर होता है बेसिकली, आर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा एक टॉपिक होता है स्लैब का, तो वहां पर आपको ध्यान बताया जाता है कि जो लेटरल शिफ्ट अपेरेंट डिस्टेंस होती है वो बेसिकली डी आर अपॉन एन होती है, तो आर बेसिकली आई अपॉन एन हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई अपॉन एन, ये ध्यान रखना है, आई अपॉन एन हम लिख सकते हैं आर को, और आर तो आर है ही है। तो आप यहाँ से अगर डी निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 2 डिग्री दिया गया है, ठीक है आई, और तो जब आई 2 डिग्री दिया गया है तो आई को अगर कॉमन निकाल लो, अंदर 1 बचेगा, 1 माइनस, ठीक है। और आपका जो n है वो कितना है, n आपका यहाँ पर 3/2 दिया गया है, तो नीचे 3 लिखोगे ऊपर 2 पहुंच जाएगा, i मैंने कॉमन निकाल लिया है, अपॉन आपका जो है r, और r आपका फिर से वही i अपॉन n आप लिख सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जो हमारी अपेरेंट, जो हमारी d है बेसिकली, ठीक है, जो हमारी थिकनेस है स्लैब की वो 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो हमने d की जगह 10 रखा, सेंटीमीटर की जगह अगर आप इसको मीटर में करना चाहो तो भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है आंसर किसमें है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से लेटरल शिफ्ट जो आएगी वो कितनी आएगी, आई की जगह 2 डिग्री रखोगे, लेकिन क्योंकि कभी भी फॉर्मूले में डिग्री में क्वेश्चन नहीं किया जाता है, हमेशा रेडियन में किया जाता है, तो उसको आप पाई अपॉन 180 से डिवाइड करके किसमें निकाल लोगे, रेडियन में, और आपका जो हो जाएगा ये जाएगा 1/2 - 3। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन 9 इंटू ये आ जाएगा आपका 1/3, तो इस तरीके से आ जाएगा पाई अपॉन 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटा सा तरीका समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पर इसको किया है, इसके क्वेश्चन को, ठीक है। अगर एंगल बहुत बड़ा होता तो आपको आई माइनस आर साइड डायरेक्ट दिया जाता और फिर आप वहाँ पे साइन 30 साइन 60 वो अब तो निकाल ही लेते, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद कुछ और चीजें होती हैं जैसे क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह, तो फिर उसका अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमारा टाइम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो मैंने कोशिश करी है आपको जो भी टॉपिक है उनको अच्छे से समझाने की, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में